देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में आपको देखने में मिलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, और जब इस तरह की कंडीशन होती है कि या तो न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल हो डिनोमिनेटर से या ग्रेटर हो, तो न्यूमरेटर को हमें डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। तो करते हैं यहाँ भी डिवाइड, 5x² को डिवाइड करना है मुझे, 4x² प्लस 4x प्लस 3 से, तो ये है 5x², तो 5 से करेंगे डिवाइड, 5x² प्लस 20x और प्लस 15, और माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 20x और माइनस 15, ये रिमाइंडर रहा। तो अब इसको हम यहाँ राइट करते हैं कुछ इस तरह से, लिमिट 1 to 2 5x² सॉरी, अब इसे हम लिखेंगे क्यूसेंट यानी कि 5। यहाँ पर हम रिमाइंडर को अगर और थोड़ा ठीक से लिखें तो माइनस कॉमन ले लें तो ये 20x प्लस 15 हो जाएगा, तो माइनस 20x प्लस 15 और अपॉन डिवाइजर है x² प्लस 4x और प्लस 3। तो ये कुछ इस तरह से राइट करोगे, ये dx हो गया। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये आ गया आपका यहाँ i है, ये हो गया 1 to 2 5 dx माइनस ये हो गया 20x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करना होगा, तो इसके अगर हम फैक्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3 है, ये होंगे 3 बन जा 3, यानी कि x² प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, तो कॉमन आएगा यहाँ से x, तो ये हो गया x प्लस 3 और प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 3, और यहाँ पर हुआ x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर हुए x प्लस 3 और x प्लस 1। तो आप यहाँ ऐसे लिख पाओगे i इक्वल टू 1 to 2 5 dx माइनस 20x प्लस 15 और अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1, और यहाँ पर आएगा dx। अब इसे आप ये i1 ले लो और ये i2 ले लो, तो i1 का अगर हम i1 सॉल्व करें तो i1 यहाँ आसानी से हो जाएगा सॉल्व, ये है 1 to 5 बार ले लिया dx, ये हो जाएगा 5 और dx का होता है x, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट 5, ये हो जाएगा x की जगह 2 माइनस 1 तो इक्वल टू आ गया 5। तो ये तो i1 आ गया, अब i2 को निकालोगे तो i2 यहाँ हम किए देते हैं, i2 इक्वल टू आपका है 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे तो ये आ जाएंगे a अपॉन x प्लस 3 और प्लस b अपॉन x प्लस 1। LCM लोगे यहाँ तो x प्लस 3 और x प्लस 1 आएगा, a के साथ में आएगा x प्लस 1 और b के साथ आएगा x प्लस 3, तो ये इससे कैंसिल कर सकते हो, 20x प्लस 15 इक्वल टू आपका a x प्लस 1 और प्लस b x प्लस 3।
तो पुट करेंगे पहले वेन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो 20 इंटू माइनस वन प्लस 15 इक्वल टू एक्स प्लस वन, जीरो पुट किया है तो बी के साथ आएगा माइनस वन प्लस 3 यानी कि 2, तो 2 भी ये हो गया माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5, इट्स इम्प्लाइज दैट माइनस 5 इज इक्वल टू 2 बी, और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2। तो ये तो आ गई b की वैल्यू। अब हम लेते हैं वेन x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू माइनस 3, पुट करोगे इसमें x की जगह माइनस 3, तो ये हो जाएगी माइनस 60 प्लस 15 इक्वल टू a माइनस 3, यानी कि ये माइनस 2 हो गया, ये 0 होगा, ये इम्प्लाइज करता है माइनस 45 इक्वल टू 2a, माइनस 45 इक्वल टू 2a, यानी a इक्वल टू हो गया यहाँ से माइनस 45 अपॉन 2। a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम I2 सॉल्व करते हैं, तो इसे अगर हम चाहें तो रेज कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो I2 इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन 1 to 2 a अपॉन x प्लस 1, मीन्स a की वैल्यू है हमारी माइनस 45 अपॉन 2 और अपॉन a के साथ है x प्लस 3, एक्स प्लस 3 और ये डी एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू है, अब देखना ये है दोनों माइनस ए की वैल्यू, सॉरी ये आपकी आई है प्लस में आएगी 45 अपॉन 2, ये प्लस में है और माइनस बी को बाहर ले लेते हैं, बी की वैल्यू है हमारी 5 अपॉन 2, तो ये 5 अपॉन 2 और लिमिट है 1 से 2 और ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसे सॉल्व करना है, 45 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन होगा इसका लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स प्लस 3 और लिमिट है 0 1 से 2 माइनस 5 अपॉन 2, यहाँ इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस 1 और लिमिट आपकी रहेगी 1 to 2 इक्वल टू माइनस 45 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 3, तो जब अपर लिमिट यूज करोगे तो 2 प्लस 3 5 यानी कि लॉग 5। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आप सब करना जानते हो, माइनस जब लोअर लिमिट यूज करेंगे तो 1 प्लस 3 4, तो लॉग 4, ये माइनस 5 अपॉन 2, अपर लिमिट यूज करेंगे तो लॉग 2 प्लस 1 3 लॉग 3 और माइनस अब लोअर लिमिट तो लॉग 2 इक्वल टू 45 अपॉन 2, यहाँ लॉगरिथमिक यूज करोगे रूल तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन यानी कि लॉग 5 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 2, यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन यूज करोगे तो लॉग 3 अपॉन 2, तो लॉग 3 अपॉन 2। अब फिर कर सकते हो यूज, यहाँ हम कॉमन ले नहीं कर पाएंगे तो इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं और लेते हैं। अब आपका आई इक्वल टू था, कहाँ से लिया था हमने ये,
I1 माइनस I2 I1 आपका आया था 5 माइनस I2 45 अपॉन 2 log 5 अपॉन 4 और ये प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2। इसे चाहो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो कॉमन ले सकते हो यहाँ से, और ठीक है सर माइनस, या हमने 5 अपॉन 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा लॉग 5 अपॉन 2 कॉमन लिया तो 9 लॉग 5 पाई बाई 4 उस 9 लॉग 5 अपॉन 4 और माइनस लॉग 3 अपॉन 2, यही आपका राइट आंसर होगा। नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। लिमिट दी गई है 0 to π/4। फंक्शन है 2x sec² x + x³ + 2 dx। तो इनको सेपरेट करके लिखते हैं हम, इक्वल टू 0 to π/4 2 sec² x dx प्लस 0 to π/4 x³ dx प्लस 0 to π/4 2 dx। तो 2 को रखते हैं बाहर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और लिमिट रहेगी 0 to π/4 प्लस एक्स क्यूब का होगा x⁴ अपॉन 4 और लिमिट रहेगी 0 to π/4 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2 को बाहर लेते हैं और dx का होगा x और लिमिट रहेगी 0 to π/4 इक्वल टू 2। लिमिट यूज करोगे tan π/4 माइनस tan 0 प्लस x की जगह π/4 अपॉन 4 माइनस ये रहेगा आपका 0 x की जगह, तो ये 0 रहेगा टोटल प्लस 2π/4 और माइनस 0। अब इसे सॉल्व कर लेना है, 2 tan π/4 की वैल्यू होती है 1 - 0 प्लस π/4 to π/4 इसका मतलब होगा π/4 अपॉन 4 × 4 to π/4 और माइनस 0 प्लस ये π/2 हो जाएगा, 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा तो ये 2 प्लस π/4 अपॉन 4 to π/5 प्लस π/2। और ज़्यादा सॉल्व क्या करोगे, इतने ही रहने दो, यही होगा आपका राइट आंसर। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 0 to π लिमिट है और फंक्शन दिया है आपको sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कि होता है cos² x - sin² x = cos 2x, लेकिन अब तो ये भी cos² x - sin² है और नहीं इस फॉर्म में है, तो इनको हम चेंज करते हैं,
इक्वल टू माइनस हम कॉमन ले लें जीरो टू पाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और यहाँ पर आएगा आपका डी एक्स। तो इसे आप लिखेंगे जब कॉस स्क्वायर एक्स एक्स था तो टू एक्स है, और जब एक्स वाई टू है तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस टू इंटू एक्स वाई टू, एक्स की जगह एक्स वाई टू है, और ये डी एक्स लिमिट रहेगी जीरो से पाई इक्वल टू माइनस जीरो टू पाई, ये हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स। बिल्कुल आसान आ गया, ये कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और लिमिट है जीरो टू पाई, तो माइनस साइन पाई माइनस साइन जीरो, दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो फाइनल वैल्यू आ गई आपकी जीरो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया है लिमिट जीरो टू टू, लिमिट जीरो टू टू सिक्स एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। तो इसको हम सेपरेट करते हैं, तो जीरो टू टू सिक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये डी एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये डी एक्स, ये आई है आपका, तो ये आई वन ले लेते हैं और ये आई टू। तो आई वन को सॉल्व करते हैं, आई वन इक्वल टू सिक्स को बाहर ले लें तो ये जीरो टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर और डी एक्स। तो लेट कर लें, अगर हम लेट एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू टी, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन टू। तो इसे आप लिख सकते हो आई वन को डी टी अपॉन टू, तो सिक्स इंटू वन अपॉन टू आएगा, और ये जीरो टू लिमिट टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी होगा, और यहाँ पर है आपका टी, तो ये हो गया टू थ्री या थ्री, और इंटीग्रेशन होगा इसका लॉग टी, और लेकिन अब आपको लिमिट निकालनी होगी इसकी। तो वेन एक्स इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू टू, तो टी हो जाएगा आपका टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर यानी कि एट, वेन एक्स इक्वल टू जीरो तो टी हो जाएगा आपका फोर, तो लिमिट हो गई फोर टू एट, फोर टू एट, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो थ्री लॉग एट माइनस लॉग फोर, और जब लॉगरिथमिक रूल यूज करोगे तो थ्री लॉग एट अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू थ्री लॉग टू। ये तो आ गया आपका आई वन, अब आपको निकालना है आई टू। तो आई टू था आपका आई टू, थ्री को बाहर कर लें तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सिंस डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, और यहाँ लिमिट जीरो टू टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये यूज करना है आपको। तो थ्री वन अपॉन ए वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए मीन्स टू, यहाँ यूज लिमिट करनी है जीरो से टू,
इक्वल टू, तो यहाँ हम 1/2 को बाहर कर लें तो ये 3/2 और टेन इनवर्स x की जगह 2 यूज होगा तो टेन इनवर्स 2/2 माइनस टेन इनवर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3/2 टेन इनवर्स 1 यानी कि टेन इनवर्स 10π/4 और माइनस ये 0 ही रहेगा तो 3/2 इंटू π/4 यानी कि 3π/4 ये आ गया आपका I2। तो लिखते हैं I इक्वल टू ये हो जाएगा, ये था हमारा I1 + I2। यहाँ ये 0 to 2 लिमिट भी पुट करनी थी, I1 हमने फाइंड किया था 3 log 2 प्लस 3π/, ये क्या है 8, देखते हैं आंसर। तो यही है आपका आंसर, नोट कर सकते हैं।